उदय प्रताप कॉलेज में छात्र संघ छात्रावास आवंटन एवं छात्र संघ चुनाव तिथि घोषित करने के संदर्भ में छात्र आज एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं। छात्रों की मांग है कि जो भी छात्र हॉस्टल में रह रहे थे उनको फास्ट अलर्ट किया जाए। छात्रावास बंद होने के संदर्भ में छात्रों को परेशानी हो रही है और वहीं पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव संचालित होने के बाद आज यूपी कॉलेज में भी छात्रों ने छात्र संघ चुनाव शुरू कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। लगातार उदय प्रताप कॉलेज के प्रिंसिपल छात्रों को आश्वासन दे रहे हैं पर छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। छात्रों ने बताया कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। मेरा नाम अंकित तिवारी है, मैं बीएससी तृतीय वर्ष का छात्र हूं और वर्तमान में उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी हूं। यहाँ पर हमारी दो सूत्री मांगे हैं, जो एक तो पहला नंबर छात्रावास ये लोग खोल नहीं रहे हैं। हम लोगों ने कितने महीनों से इसके लिए प्रयास किया है, कितना पत्रक दिया छात्र प्रिंसिपल सर को, उन लोगों का कोई निर्णय ही नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने लिख कर दिया, लिख कर देने पर भी कोई मतलब नहीं आ रहा है कि लिखा उन पर विश्वास किया जाए। और दूसरा, छात्र संघ चुनाव विद्यापीठ में चुनाव अधिकारी घोषित हो चुका है, बहुत सारे कॉलेजों में कुछ चुनाव अधिकारी घोषित हो चुका है वाराणसी के, लेकिन हम लोग में ना तो छात्र संघ चुनाव अधिकारी अभी तक घोषित किए हैं। लोग लिख कर भी दिए हैं फिर भी नहीं किए हैं, ना तो छात्रावास के लिए कोई है। इसी कारण हम लोग यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं।